है, ये तो पेटी है, यहाँ पर चारपाई, बाइक, ये देखो, तो ऐसी ही बाइक होती है पाकिस्तान में। यहाँ पर ये डोर टूटा हुआ है, छतों की कंडीशन देखे तो ये देखो, होल बना हुआ है ऊपर से, बारिश वगैरह आती है तो भी यहाँ पर देखिए तो छत खुद टूटी हुई है। यहाँ पर देखिए बच्चे चाय बना रहे हैं हमारे लिए, ठीक ये लोगों का किचन, और ये एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई है ताकि धूप से बचा जा सके। दोपहर के वक्त ये लोग यहाँ पर रेस्ट करते हैं। यहाँ पर बच्चों ने जो चाय बनाई आप देखिए वो बिल्कुल खराब हो चुकी है, शायद इन लोगों ने पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया इसलिए। और बच्चों का जो ऑनर है वो बैठा हुआ है नशाई अब यहाँ तो मुझे पा रहा है चाय पानी हमको खारा लगता है, नहीं अच्छा नहीं लगता है, कड़ा है बहुत। चलो ठीक है, कभी हमारे घर आना, हम भी आप कैसी चाय पिलाएंगे। अजी अजी तो ये देखिए भाई, चारों ओर डेजर्ट ही डेजर्ट है। ये घर के ऑनर है जो कि इस वक्त बुखार में मुबतला है। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस नए व्लॉग में। तो आइए, हम एक नए हिंदू घर में आए हैं जो कि डेजर्ट एरिया में, जहाँ पर किसी भी चीज़ की कोई सहूलत यहाँ पर नहीं है। मतलब चारों ओर देखा जाए तो सिर्फ डेजर्ट ही मिलेगा आपको। तो यहाँ की अब कंडीशन दिखाते हैं कि इतने बड़े रेगिस्तान में एक अकेला घर जो कि हमारे हिंदुओं का है, वो किस तरह से ज़िंदगी बसर करता। आइए ये सब कुछ जानते हैं और आपको दिखाते हैं यहाँ के हालात। ये है भाई हमारे हिंदू का एक घर, एक हाउस, जो कि कंडीशन जिसकी आप देख सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ यहाँ के आसपास की जो है फसल वगैरह। यहाँ पर देखें तो ये देखें शुगर कैन चारों ओर, और ये जो है ये कुछ झंडे लगे हुए हैं, और यहाँ पर स्थान बनाया गया है, मतलब कुलदेवी का शायद होगा। यहाँ पर देखिए बच्चे चाय बना रहे हैं हमारे लिए, ठीक है वाह। चार दे आज नट मत हैंगो ने आज भाई दाण काई आज का नहीं चलो है ना, ठीक है ठीक है। मैं के वाह ठीक है, काबरा नट तो चढ़ रहे हो गोन नट मत चढ़ गोन आज चट चट चढ़ गया। यहाँ पर घर ही यही है, एक ही घर है। यहाँ पर ये देखिए चारों ओर देखिए ये शुगर कैन आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पर देखे तो इधर कुछ और फसल वगैरह बीजी हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर डेजर्ट ही डेजर्ट है, ये दूर दूर तक देखे तो ये रेगिस्तान ही रेगिस्तान आपको दिखाई देगा। ये देखिए ये बड़े बड़े ये देखिए, तो यही है भाई एक गांव। ये घर के करीब एक और खंबा है जिस पे भी मतलब लाइट तो है नहीं, लेकिन सिंपल सी लाइफ ही है। और ये एक ही है रूम है इन लोगों का, सॉरी घर है। तो घर की आपको कंडीशन दिखाते हैं अंदर से बाहर से चारों ओर से। यहाँ पर बच्चों ने जो चाय बनाई आप देखिए वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है, शायद इन लोगों ने पानी बहुत ज़्यादा डाल दिया इसमें इसीलिए। और बच्चों का जो ओनर है वो बैठा हुआ है नशाई अभी तो मुँह छुपा रहा है चाय बना, पानी हमको खारा लगता है, नहीं अच्छा नहीं लगता है, कड़ा है बहुत। चलो ठीक है, कभी हमारे घर आना, हम भी आप कैसे चाय पिलाएंगे। अजी अजी तो ये देखिए भाई चारों ओर डेजर्ट ही डेजर्ट है। देखिए तो यहाँ पर यही रूम है भाई, ये देखिए। तो भाई यही कंडीशन है इस घर की कुछ, और ये घर के ऑनर है जो कि इस वक्त बुखार में मुबतला है। देखिए और गर्मी भी जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो सबसे पहले ये देखिए ये मुर्गियों का शायद खुड्डा बना हुआ है भाई, तो ये भी एक ये देसी फ्रीज़र है ऐसे समझ लो, मतलब कि जो गरीब आदमी होता है वो अपने खाने पीने का सामान सभी इसमें स्टोर करता है। तो चलिए आपको अभी जो है वो रूम विज़िट कराते हैं। तो भाई नॉर्मली है, ये तो पेटी है,
यहाँ पर चारपाई बाइक, ये देखें तो ऐसी ही बाइक होती है पाकिस्तान में। तो यहाँ पर कुछ इन लोगों का सामान स्टोर हुआ है, वहाँ पर कपड़े और ये कुछ बर्तन वगैरह यहाँ पर देखे पड़े हैं। और यहाँ पर देखिए तो इसमें घी होता है भाई, और बाकी ये सामान देख सकते हैं आप, कुछ खाने पीने का है। अब चलते हैं दूसरा रूम आपको विज़िट कराते हैं। सेकंड रूम, ये तो भाई साइकिल है, आपको भी पता होगा, बट यहाँ पर ये डोर टूटा हुआ है। छतों की कंडीशन देखे तो ये देखा, होल बना हुआ है ऊपर से, बारिश वगैरह आती है तो भाई ऐसे तो इस रूम में कोई रहता तो है नहीं, फालतू की चीज़ें पड़ी हुई है। और यहाँ पर देखिए तो छत खुद टूटी हुई है। और ये इन लोगों का किचन देखिए तो, और ये एक छोटी सी झोंपड़ी बनी हुई है ताकि धूप से बचा जा सके। दोपहर के वक़्त ये लोग यहाँ पर रेस्ट करते हैं, तो अभी तो भाई यहाँ पर भी धूप आ गई है, तो छांव जो है दूसरी ओर है,